दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। देखिए आज ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। पहले बैंक निफ्टी है, ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी, देखिए आज ओपन कहाँ पे हुई है। गैप अप, बड़ा गैप अप 47,400 के आसपास ओपन होके, ये देखो ये है इसकी सपोर्ट लाइन, ये है इसकी सपोर्ट लाइन और ये है रेजिस्टेंस। ये 200 पॉइंट का 4,2,600, 200 से भी ज़्यादा 200-250 पॉइंट की एक ही कैंडल बना दी इसने, ये कैंडल। और फिर इसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर गई। अब देखो इसमें इसने किया क्या, देखिए ये ओपन होती है यहाँ पे जाती है, जहाँ 5 मिनट ख़त्म होता है कैंडल ख़त्म होती है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये देखो नीचे आई, नीचे आके ये फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये दो ये कैंडल बनी, ये भी यहाँ तक गई। देखो ये अंदर की तरफ इसने ऐसे प्रोजेक्शन बनाया और फिर यहीं से वापस हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने जब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रही थी, अगर यहाँ पे किसी ने एडवांस एंट्री मारा होगा तो वो लॉस गया। फिर ये यहीं पे पूरे दिन घूमती रही, टोटल आज लॉस का ही काम रहा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग वन डे में। देखो वन डे में ये वाली कैंडल है ग्रीन कैंडल, देखो यहाँ से नीचे आई, नीचे से फिर ये ऊपर, और ये रुकी कहाँ पे है, ये जो इसका ये रेजिस्टेंस है इसी पे रुकी हुई है ये वाली कैंडल का, ठीक है ना। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये 48,000 को ब्रेक कर देगी। और सपोर्ट इसमें क्या हो रहा है, ये इस सपोर्ट पे रुकी हुई है, यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर रुकी हुई है। अगर ये कल बैंक निफ्टी अगर कल यहाँ पे थोड़ा सा फिर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है तो ये कॉल साइड में 48,000 तक जा सकती है। और अगर ये ऊपर जाके यहाँ से रिवर्स हो गई, पीछे नीचे की तरफ हो गई, तो फिर ये यहाँ तक आएगी, ये जो सपोर्ट है 47,500, ये इसका टारगेट है। पुट साइड का होगा 47,500 का टारगेट, यानी पुट साइड में 47,500 तक आएगी, यहाँ नहीं आएगी। देखो ये वन डे का चार्ट है, यहाँ आने में इसको टाइम लगेगा, 47 पे आने पे टाइम लगेगा, एक दिन और लगेगा। अगर ये रिवर्स होती है तो कल के दिन नहीं परसों के दिन ये नीचे आ सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस बैक होगी तब। और अगर इसको ऊपर करी, यहाँ ऊपर गई तो कल तो ये 48 पे ही अपना काम ख़त्म करेगी या थोड़ा सा ब्रेक करेगी, नेक्स्ट डे 48,000 के ऊपर जा सकती है। कॉल साइड इसका टारगेट रहेगा 47,500 और पुट साइड रहेगा 48,000, सॉरी पुट साइड रहेगा 47,500 और 48,000। आइए निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी कहाँ है, ये है निफ्टी,
ये निफ्टी को आप देख लीजिए, ये है इसका सपोर्ट, सॉरी ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, मतलब कि 22,500 से थोड़ा सा कम है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये भी क्या करती है, यहाँ से ओपन होती है हल्का से नीचे आके, फिर जो ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहाँ भी इसने भी एक थोड़ा सा प्राइजेक्शन बनाया, यहाँ गई, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना दिया इसने, देखो शूटिंग स्टार बनाया इसने। अब ये शूटिंग स्टार काम नहीं किया, थोड़ी एक कैंडल नीचे आया और फिर इसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। देखो ये इस ऐसी जगह पे ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, जब इसको ब्रेक करके क्लोज करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। अब इस ऐसे कहाँ कर लें, ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही, फिर आती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है, ठीक है ना। अब किस बेसिस पे छोटे 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 कैंडल बना रही है, किस बेसिस पे इस यहाँ पे ट्रेड लिया जाए, फिर ये साइडवेज हो गई। अब देखते हैं कल ये क्या कर सकती है। आइए देखो, अभी तक आपने क्या देखा, ये दोजी बनने के बाद ग्रीन वाली कैंडल जो बनती है वो भी देखिए दोजी बनती है, लेकिन इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी छोटी है, इससे बड़ी बॉडी इसकी होती है, गैप अप ओपन होती है, ठीक है ना, इससे बड़ी बॉडी और बिग भी दोनों तरफ है। थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही थी इसलिए बीच में वीडियो भी नहीं बनाया। फिर इसके बगल वाली कैंडल आप देखो, इसमें बिग भी बड़ी है, ये बिग भी बड़ी है और बॉडी भी बड़ी है। फिर इधर क्या होता है, जहाँ से ओपन होती है ऊपर यहाँ तक आती है और आने के बाद में ये फिर ये नीचे देखो, यहाँ से ये इसका प्रेशर होता है तो यहाँ नीचे आधे आप आके यहाँ पे क्लोज कर देती है। फिर उसके बाद फिर गैप अप, ठीक है ना, गैप अप ओपन होती है, फिर ऐसे ही शक्ल यहाँ बनाती है। फिर आज ये तीसरा दिन गैप अप हुई तो ये एक बड़ी बॉडी बनती है, जहाँ से ओपन होती है वहाँ से बड़ा मूवमेंट होता है और फिर आके उसके आधे पे यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। और अब ये क्या करती है, देखो ये यहाँ पे आके फिर छोटी सी, पहले ये ऊपर यहाँ तक आई है और फिर जब इसका सेलर का प्रेशर है तो फिर यहाँ पे आके एक छोटी सी बॉडी बना दी है। अब ये देखो यहाँ, अब इसमें क्या हो गया, अब इसका सिचुएशन ये बन रहा है कि देखो ये है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे पहुँचने पे, यहाँ पहुँची तो सेलर एक्टिव हो गया, ठीक है ना, यहाँ पहुँच के सेलर एक्टिव हो गया और ये कैंडल को मार्केट को यहाँ नीचे लाया। अब कल ऐसा इसमें लगता है कि कल ये या तो गैप डाउन ओपन होगी या फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगी, यानी कल नीचे आने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे आने की संभावना है। और अगर कल वो नीचे आएगी तो हमारा सपोर्ट ये होगा 22,400, पुट साइड 22,400, ये हमारा टारगेट होगा कल, यहाँ से ये यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। और अगर ये कॉल साइड जाती है तो कॉल साइड वैसे जगह नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कॉल साइड जाएगी तो देखो ऑल टाइम हाई पे है ये, तो फिर यहाँ पे तो दिखना 700 है ही है, 800 तक जा सकती है, 22,800 ये कॉल साइड का 22,800 टारगेट है और पुट साइड का 22,400। तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए और बहुत सावधानी से, जब तक ये इलेक्शन है तब तक आप बहुत सावधानी से ट्रेड करिए, मार्केट कभी भी कुछ कर सकती है। निफ्टी तो फिलहाल अभी ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हो गया निफ्टी, ये हो गया बैंक निफ्टी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सब लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।